पौड़ी के बैंगवाड़ी गांव में बादल फटने से कई गौशालाएं तबाह हो गईं, खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों के सूचना देने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा है। पौड़ी के आमसीरा इलाके में आसमानी आफत बरसी है। बैंगवाड़ी गांव में बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ग्रामीणों की माने तो रविवार सुबह करीब 3:30 बजे बादलों की कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फिर जोरदार बारिश होने लगी। मौसम में कंटिन्यू बरसात हो रही है तो बादल फटने की एक घटना यहाँ पे हमारे बैंगवाड़ी गांव के बगल के गदेरे में हुई है, जो 3:30 बजे के लगभग हुई है, जिससे कि यहाँ पे पूर्व प्रधान जो अनुज ममगाई जी का घर था और एक भरत लाल जी का घर है, वो अभी सुरक्षित है और उनकी गौशाला थी, उससे हमने 3 गायें भी सकुशल निकाल ली हैं ग्रामीणों ने। बादल फटने से पानी साथ बहकर आई मलबे में 2 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं मलबे में 2 स्कूटी दब गए, जिन्हें बाद में किसी तरह से निकाल लिया गया। बादल फटने से बहुत नुकसान हमारी खेती को भी हुआ है, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि जानमाल का कोई खतरा नहीं हुआ है। 2 स्कूटियां बह गई थी, एक मिल गई है और एक की अभी ढूंढ हो रही है, लेकिन इस तरह की कोई घटना यहां पे हुई नहीं है। उधर पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भारी तादाद में मलबा आ गया। पानी के साथ बहकर आए मलबे की वजह से हाईवे करीब 1.5 घंटे तक बाधित रहा, जिसे प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद खोला। मैं मौके पे गया था और हमारी राजस्व और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौके पे गई है। वहाँ पे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, केवल 2-3 गाय फंसी हुई थी, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है पुलिस और राजस्व की टीम और ग्रामीणों की मदद से, और कुछ लोगों के 1-2 गाड़ियों नुकसान होने की संभावना या और इनको बताया जा रहा, सूचना बताया जा रहा है, और जो रोड थी अभी खोल दी गई है। प्रशासन बादल फटने से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है, ताकि ग्रामीणों को उनके नुकसान का मुआवजा दिलाया जा सके। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। बड़ी अपडेट आपको देते हैं, रुड़की में फायरिंग के मामले में युवक की गिरफ्तारी हुई है। 21 मई को हवा में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था, भगवानपुर थाना इलाके का यह सारा मामला है। रुड़की से खबर, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए आप फायरिंग का वो वीडियो, 21 मई को हवा में फायरिंग का यही वीडियो वायरल हुआ था, अब पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सारा मामला भगवानपुर थाना इलाके का, रुड़की की ये तस्वीर, वहां का वीडियो 21 मई का, देखिए कैसे हवाई फायरिंग की थी इस युवक ने, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भगवानपुर थाना इलाके का सारा मामला है, वहीं का वीडियो, ये युवक जो इस वीडियो में हवाई फायरिंग करता दिख रहा है, गिरफ्त में है पुलिस। और उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे सीएम तीरथ रावत का एक और बयान सुर्खियों में है। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार आपदा में चीनी देने का काम कर रही है। और चीनी कभी नहीं मिली, जब से देश आजाद हुआ किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं, कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। और चीनी कभी नहीं मिली, जब से देश आजाद हुआ किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं, कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। और चीनी कभी नहीं मिली, जब से देश आजाद हुआ किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं, कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। तो सीएम धीरथ रावत के चीनी वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि उसके समय में चीनी 13.5 रुपए प्रति किलो मिलती थी, 60 पैसे किलो जो है चीनी जो है वो उपभोक्ता को मिलती थी। बड़ा अफसोस है कि मुख्यमंत्री को ज्ञान ही नहीं है, कह रहे आजादी के बाद कभी आज तक चीनी नहीं मिली, मैं ही चीनी दे रहा हूँ और वो भी 3 महीने के लिए। ये ज्ञान का अभाव नहीं तो और क्या है? या तो मुख्यमंत्री जी ने कभी राशन कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, आप और हमने तो रोज राशन कार्ड इस्तेमाल किया है। जब तक केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार रही तब तक जो है गरीब आदमी को 13.60 रुपए किलो जो है चीनी मिलती थी। हालांकि गलत कहा, हमें अपने बचपन का याद है,
कम मिलती थी पर चीनी मिलती थी राशन की दुकानों में, तो ये गलत कहा, ये तो उन्हें उन्हें राय देने वाले और सुझाव देने वाले जाना। नेता प्रतिपक्ष का आक्रमण थोड़ा हल्का जरूर था प्रीतम सिंह के मुकाबले में। बड़ी खबर इसी बीच में, रामनगर में पत्थर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया है, मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। बड़ी खबर रामनगर से, पत्थर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या और हत्या के बाद आरोपी फरार, मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई। बड़ी खबर रामनगर से, बड़ा अपडेट, पत्थर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या हो गई। और देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौन उपवास पर रहे। कांग्रेस ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और बढ़ती महंगाई के विरोध में एक घंटे का मौन उपवास रखा और साथ ही पूरे प्रदेश में जिला, शहर और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने मौन उपवास रखकर सरकार पर निशाना साधा। उधर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौन उपवास रखा। देश और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में है, आपके सामने है, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, लेकिन महंगाई अपने चरम पर है, गरीब आदमी का जीना दूरभ हो गया है। दूसरी बात जो है, कोरोना की महामारी और ब्लैक फंगस की महामारी से सरकार निपटने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। कोई व्यवस्थाएं समय रहते हुए सरकार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कोरोना और ब्लैक फंगस के माध्यम से जो हजारों हजार लोगों की जो अकाल मृत्यु हुई है, इन मृत्यु के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तराखंड की सरकार जिम्मेदार है। महामारी आई वो एक बात है, महामारी को हटाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए था ये काम देश की सरकार और राज्य की सरकार था, दोनों ही सरकारें इसमें फेल हो गई। आज आदमी एक तो कोरोना के नाम से पीड़ित है, पहले तो बेड ही नहीं मिल रही थी, अब सारी बेड खाली है, जो नया भी बनाने जा रहे हैं उसमें भी नहीं। ऑक्सीजन की जो कमी हुई वो सरकार की लापरवाही और सही मैनेजमेंट ना होने के कारण हुआ, उसकी कमी से भी तमाम लोग मारे गए। और बड़ी खबर है, अल्मोड़ा में दो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू हुए हैं। जी हां, सीएम तीरथ रावत ने वर्चुअल तरीके से इसकी शुरुआत की है। 4.25 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट तैयार हुआ है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुआ है। बड़ी खबर, सीएम तीरथ ने वर्चुअली इसकी शुरुआत की है, 4.25 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट तैयार हुआ है। और मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से राशन और दवाइयों की किट बांटी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में राहत सामग्री बांटी गई। भाजपा की तरफ से राहत सामग्री बांटी गई। 7 वर्ष पूरे होने पर हम अपनी अनेकों एक 7 वर्ष की उपलब्धियों का व्याख्यान कर सकते थे, लेकिन देश जिस प्रकार से विश्वव्यापी बीमारी से ग्रसित है, उस समय देश की जनता जो 1.5 साल से लगातार कोरोना के कारण व्यथित हो रही है, उसको राहत देने की आवश्यकता है। इसलिए हमने इस 30 तारीख को जो 7 साल पूरे हो रहे हैं, हमने सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर हर गांव में जाने का संकल्प लिया है और हमारे मोर्चाओं द्वारा 50,000 यूनिट ब्लड देने का संकल्प है। और मुझे तो उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से सेवा सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है, इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, इस वजह से चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। कोरोना की महामारी जो है लगभग 1.25 महीने का समय हो गया है, आज नींद से जागे हैं, और अगर आज भी जागे हैं तो सिर्फ इसलिए जागे हैं कि चुनाव की दस्तक होने जा रही है और केंद्र की सरकार का की वर्षगांठ मनाना चाह रहे थे, मना नहीं पा रहे, इसलिए सेवा दस में क्या सेवा कर रहे हैं आप बताए ना। जो सत्तारूढ़ दल कोरोना की महामारी में नियंत्रण रखने में पूरी तरीके से विफल साबित हुआ, वो राजनीतिक दल एक दिन की सेवा दिवस मनाने से जो है क्या लोगों के घाव पर जो है मरहम लगा पाएंगे।
इधर कोरोना काल में बस और टैक्सीज का काम चौपट होने से वाहन मालिकों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलने पर टिहरी में टैक्स से बचने के लिए वाहन मालिकों और वाहनों के परमिट सरेंडर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। टिहरी एआरटीओ कार्यालय में 80 बसेज रजिस्टर्ड हैं और अभी तक यहां कुल 22 वाहन मालिकों ने परमिट जमा कराए। बाकी बस मालिक अपने पेपर सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि राज्य सरकार बस मालिकों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। परिवहन व्यवसायियों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 2 साल का टैक्स माफ और साल भर का इंश्योरेंस आगे बढ़ाया जाए और चालक परिचालक को कुछ सहायता दी जाए, इस वजह से जो है ताकि उनके घरों में 2 टाइम का रोटी का खर्चा आ जाएगी। चलो जी, ये चीज है। अब ये समय जो सरकार हमारी कुछ भी नहीं सुन, एक गाड़ियां चलाकर यहाँ पर अपना व्यवसाय अपना घर परिवार चला रहे हैं। इनको कहा जा रहा है कि आप आधी सवारी में चलाइए और उतने जो है उनसे किराया भी लीजिए, यहाँ तक कि और डीजल के दाम किस तरीके से आज जो है 80-85 क्रॉस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट इनके लिए सोच नहीं रही है और ये लोग आज मजबूर होकर जो है यहाँ पर अपने परमिट को सरेंडर कर रहे हैं और हम आज इनके समर्थन में सरकार से मांग करते हैं कि इनकी मांगों को तत्काल सुना जाए। और कोरोना की वजह से हरिद्वार में कितने ही लोगों को उनका रोजगार प्रभावित हुआ है। सैलानियों के आने पर ये लोग खुश हुआ करते थे मगर अब इनके चेहरों पर मायूसी है। हर की पैड़ी पर फोटोग्राफी का काम करने वाले कितने ही लोग फिलहाल बेरोजगार। वहीं प्रसाद समेत दूसरी छोटी दुकानें चलाने वाले लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं। काम तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि टूरिस्ट यात्री आना बिल्कुल बंद हो रखे हैं फिलहाल, इसलिए हमारा काम बहुत ही चल नहीं पा रहा है। इसी कारण घर के खर्चे भी नहीं हो पा रहे हैं हमारे, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कैसे बच्चों की फीस बाकी चीज़ें कैसे करते हो? सर हो ही नहीं पा रही है फिलहाल, तो यहीं से चलता था लेकिन अब यात्री नहीं है तो इस कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। इस समय जो अस्थि प्रभाव वाले आते हैं, इक्का दुक्का जो आ जाता है, हाथ में बेचने वाले 2-4 लोग खड़े रहते हैं, उनसे प्रसाद लेते हैं। दुकान खुलने तो पुलिस ना चाह के भी चालान काट देती है, 10 बजे के बाद दुकान ही नहीं खुलती है। सारा काम टूरिस्ट है, यात्री आ नहीं रहा है। हरिद्वार में साइबर क्राइम सेल ने ठगी के मामले का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि युवक ने शेयर मार्केट से पैसा कमाने के चक्कर में गुजरात के एक शख्स के अकाउंट में 90,000 रुपए जमा कर दिए। जब युवक से उससे 5 लाख रुपए और मांगे गए तो उसे शक हुआ कि वो ठगी का शिकार हो चुका है। शिकायत के बाद साइबर सेल ने इस पर काम शुरू किया। सबसे पहले तो आरोपी के अकाउंट को सीज करवा दिया गया, बाद में पीड़ित के 90,000 रुपए भी वापस मिल गए। और देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच आपसी झगड़ा चल रहा था। मृतक की पत्नी ने मौका पाकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। पहले उसने अपने पति को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया और फिर मौत के घाट उतार दिया। के द्वारा मृतक की पत्नी और उसके दोस्त पर जो उनके पुत्र की हत्या का आरोप लगाया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना से पता चला है कि जो मृतक की पत्नी है और उसके दोस्त द्वारा उसको जो है नींद की गोली खिला करके उसकी हत्या कारी की गई थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों की अरेस्ट की गई। इधर हरिद्वार के लक्सर में एबीपी गंगा की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। एबीपी गंगा पर नीलधारा गंगा के टूटे हुए तटबंध की खबर दिखाए जाने के बाद सरकार हरकत में आई है। सिंचाई मंत्री खुद 31 मई को तटबंध का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि 2017 की बाढ़ में ये तटबंध टूट गया था। इस दौरान 25 गांव प्रभावित हुए थे और किसानों की खेती को बहुत नुकसान हुआ था। तभी से मांग उठ रही है कि तटबंध की मरम्मत होनी चाहिए और अब कहीं जाकर सरकार इसकी सुध लेने जा रही है। आपके खबर का असर हुआ है और हमारे यहाँ जो तटबंध 3 साल से टूटा हुआ था उसको अधिकारिक संज्ञान में आया है और कल माननीय सिंचाई मंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं और संभावना है कि ये तटबंध का पुनर्निर्माण हो। योग गुरु बाबा रामदेव और आईएमए का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को खुली बहस की चुनौती दी है। द्वारा की गई नगर टिप्पणियाँ हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर रही हैं। हमने रामदेव जी के जो 25 सवाल उन्होंने हमसे पूछे हैं उनके लिए हमने खुले मन से मंच पे आकर उनसे और भेदभाव मिटाकर किसी भी मंच पे, किसी भी जगह पे, किसी भी तारीख में जो उन्हें स्वीकार्य हो हम अपना जवाब देने को तैयार हैं। आईएमए उत्तराखंड ने एक कमेटी बना दी गई है सीनियर मेंबर्स की, उसमें 5 मेंबर हैं और वो उनके हर प्रश्न का उत्तर देंगे और समाज के सामने देंगे जहाँ पर जो है समाज के सभी लोग प्रबुद्ध नागरिक होंगे।
तो IMA के उत्तराखंड शाखा कम से कम तैयार है बाबा रामदेव के 25 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बड़कोट में एक शख्स ने मशरूम का उत्पादन कर न सिर्फ खुद के लिए रोजगार पैदा किया बल्कि वो युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए। बड़कोट के पोटी गांव के रहने वाले हीरालाल की मेहनत अब रंग लाने लगी है। कोरोना महामारी का शिकार हीरालाल ने मशरूम की खेती शुरू की थी। अब वो न सिर्फ खुद रोजगार कर रहे हैं बल्कि कई और बेरोजगार युवाओं के लिए भी नजीर पेश कर रहे हैं। जब मैं घर आया तो श्री अनुप थपलियाल जी उद्यान अधिकारी हमारे, तो उनके सहयोग से आज काफी मतलब अच्छी खासी आमदनी यहाँ हो जाती है मेरी। मतलब उन्होंने मेरे को एक बारीक से बारीक चीजें बताई और मतलब पर डे अगर इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1500-2000 के समथिंग इनकम हो जाती है। हीरालाल लॉकडाउन से पहले तक दिल्ली की किसी निजी कंपनी में नौकरी करते थे। लॉकडाउन के समय वो अपने घर लौट आए थे। इसी दौरान उन्होंने उद्यान विभाग के सहयोग से मशरूम उत्पादन शुरू किया जिसके जरिए अब वो बड़े आराम से अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम में जो व्यक्ति बेरोजगार हो चुका था, जो किसी कारण से अपने रोजगार को छोड़ चुका था, उसके लिए बिल्कुल एक प्रकार से प्रत्यक्ष रोजगार। क्योंकि इसमें ये चीज है कि अगर हम मशरूम लगा रहे हैं तो हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा और ये एक प्रकार से स्मार्ट वर्किंग है। हीरालाल अब मशरूम के उत्पादन से हर दिन 2000 रुपए तक की इनकम कर रहे हैं। कम समय में अच्छे उत्पादन से उनकी किस्मत चमक गई है। अब वो उन युवाओं को इस ओर प्रेरित कर रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। हमारे अपनी वही जो मिट्टी बजरी वगैरह जो बनाते हैं उसका तो प्रोसेसिंग के लिए वो डाला हमने, और ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, थोड़ा देख रेख करनी पड़ती है और इसमें आय का ये भी अच्छा है। पहाड़ों में रोजगार की कमी है, ऐसे में मशरूम की खेती युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा विकल्प है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। इधर रुड़की में रविवार देर रात आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। तेज आंधी की वजह से आम की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। बारिश से आम की करीब 50% तैयार फसल खराब हो गई है। मंगलौर में अधिकांश आम के बाग हैं लेकिन देर रात आए भयंकर तूफान और तेज बारिश ने आम की फसल बर्बाद कर दी। नुकसान तो काफी अक्सरियत में भारी मात्रा में नुकसान है, और इससे पहले जो है हम दवाई से लड़ते रहे और जो है बहुत एस्प्रे हुए, इस बार बीमारी ज़्यादा आई और अब ये तूफान आया, इसमें बहुत भारी नुकसान है। इधर रुद्रप्रयाग में ANM सेंटर 4 सालों से बंद पड़ा हुआ है। आलम यह कि सेंटर का इस्तेमाल नहीं होने से यह खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। लोग ANM सेंटर को खोलने की मांग करते आ रहे हैं लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही। स्वास्थ्य महकमा इस ओर लगातार लापरवाह बना हुआ है। और कोरोना काल में पौड़ी में सरकारी राशन के वितरण पर प्रशासन विशेष निगाह रखे हुए। सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए DM खुद फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही DM स्टोरेज हाउस का भी निरीक्षण कर रहे हैं। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि COVID-19 के दौरान वितरण में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही। और कुंभ मेला खत्म होने के बाद अब शहर में साफ सफाई का काम चल रहा है, साथ ही अस्थायी निर्माण काम भी हटाए जा रहे हैं। मगर नगर निगम क्षेत्र में लगे काफी डस्टबिन टूट चुके हैं, इनकी तरफ नगर निगम का ध्यान नहीं है। ये डस्टबिन नगर निगम परिसर में धूल फांक रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह कि आखिर इन डस्टबिन पर इतना पैसा खर्ची क्यों किया गया। हालांकि अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि डस्टबिन को अब मुख्य बाजार में लगाया जाएगा।